आप देख रहे हैं BHBC News। और जो है वो 15 अगस्त की जो है सबको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन हम लोग आज भी जो है वहीं पे गुलाम हैं हम लोग। नमस्कार, मैं हिमांशु बरमुला और आप देख रहे हैं BHBC News। उत्तराखंड को अस्तित्व में आए करीब 20 साल हो चुके हैं और चमोली जिले को 24 फरवरी 1960 को जिला बनाया गया, यानी कि जिला बने हुए 60 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी जिले के कई दुर्गम गांव तक सड़कें नहीं पहुंची और ना ही सड़कों को जोड़ने का कोई मार्ग बन पाया है। इतने वर्षों बाद भी उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। यही वजह है कि आज भी पहाड़ी क्षेत्रों में कई सड़कें बनी भी हैं तो वो भी आधी अधूरी, जिसके चलते यहाँ दूरदराज के पहाड़ियों में रहने वाले लोग या तो पलायन कर जाते हैं या फिर जो कुछ लोग गांव में रह गए हैं, यानी कि सरकारों की अनदेखी के चलते काफ़ी मुसीबतों भरा जीवन जीने पर मजबूर हैं। आज ऐसे ही एक गाँव की दास्तां हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए देवभूमि से ये खास रिपोर्ट। देश का एक गांव ऐसा भी है जहां के लोग इच्छा मृत्यु की गुहार लगा रहे हैं। जहां पूरा गांव आबाद था, आज वहां महज चंद लोग ही दिखाई देते हैं। एक सड़क न होने से स्वतंत्र भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में बसे सकंड गांव की दास्तान सुनने वाला कोई नहीं। यूं तो आजाद हुए भारत को 73 वर्ष हो चुके हैं और 21वीं सदी की दौड़ में भारत महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है, लेकिन आज भी भारत का शासन यूं बेरुख होकर क्यों सोया हुआ है, जिसे न जनता की गुहार सुनाई देती है न दर्द दिखाई देता है। जी हाँ, ये गांव है देवभूमि उत्तराखंड का एक ऐसा गांव। मोटर है ना, कुछ है ना, स्कूल है ना, आने जाने की सुविधा है ना, कुछ नहीं है हमारे यहाँ, ना खाने की व्यवस्था भी कुछ नहीं हो पा रही है। अब बुजुर्ग लोग हैं हमारे, ला नहीं सकते हैं इधर उधर से, तो लेने की व्यवस्था नहीं है। घोड़े खच्चर भी 1000 रुपया भाड़ू ले रहे, कहाँ से देंगे इतने गरीब आदमी? इतने पैसे किसी के पास हो तो तभी तो देगा। और ना हमारे बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई भी नहीं चल रही है, कुछ नहीं है। लोगों के यहाँ तो नेट नूट सब है, यहाँ ना कुछ नहीं हो। जहाँ लोग इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं, कर्णप्रयाग विकास खंड के अंतर्गत इस गाँव में आजादी के 7 दशक बाद भी सड़क नहीं पहुंची है। गांव तक सड़क सुविधा ना होने से ग्रामीणों को लगभग 7 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पर पैदल चलकर अपने घर पहुंचना पड़ता है। यानी कि आज के उभरते हुए डिजिटल इंडिया में ये सोचना भी नामुमकिन सा लगता है कि देश में आज भी चलने भर तक की सुविधा नहीं है। तो कैसे इस देवभूमि के लोग अपने भारत को आत्मनिर्भरता से मजबूत करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री तो इस कोरोना संकट की घड़ी में आह्वान कर चुके हैं कि अब वक्त आ चुका है कि हमें खुद आगे बढ़ना होगा। 73 साल बाद भी हम लोग जो हैं मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये चीजें जो है आज की जो टेक्नोलॉजी है, हम लोग जो है वो टेक्नोलॉजी बहुत दूर की बात है। हमें तो मूलभूत सुविधाएं जैसी नहीं मिल रही हैं। एक सड़क जो है सबसे पहले इंसान की वो जरूरत है, वो नहीं मिल पा रही है। दूसरी बात जो है, आज की जो ये कोरोना महामारी है, इसमें जो है सारी स्कूलें बंद हो रखी हैं। स्कूलें बंद होने के कारण ऑनलाइन जो पढ़ाई चल रही है बच्चों की, वो भी बंद हो रखी है, क्योंकि यहाँ पे जो है नेटवर्क की सुविधा भी नहीं है। क्या करेंगे यहाँ पे ये बच्चे लोग हैं, कहाँ जाएंगे, ये कैसे करके पढ़ाई होगी यहाँ पे? प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि 15 अगस्त 1947 को जो है हमारा देश आजाद हुआ था, और जो है वो 15 अगस्त की जो है सबको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन हम लोग आज भी जो है वहीं पे गुलाम हैं हम लोग। हमें कोई स्वतंत्रता नहीं मिली आज भी। हमारे जो है दादा दादी तक जो है बोलते थे कि रोड रोड रोड, और आज जो है मेरी उम्र, मैं भी 5 साल का था तब से सुन रहा हूँ, और आज जो है मेरी उम्र जो है 32 साल हो गई है, लेकिन आज तक जो है यहाँ पे कोई भी जो है यहाँ पे रोड नहीं लेके आया। लेकिन ये बात शायद उत्तराखंड की गूंगी बहरी सरकार को समझ नहीं आ रही कि बिना मूल सुविधाओं के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हर रोज प्रधानमंत्री मोदी के सपनों पर पानी फेर रहे हैं। और अगर ये ही रहा तो आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को वर्तमान मुख्यमंत्री की भूल का खामियाजा भी उठाना पड़ सकता है। इसी को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक बात याद आती है, जब उन्होंने कहा था कि सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी,
पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। ठीक इसी तरह न जाने कितनी पार्टियां आई गई, कितने नेताओं ने चुनाव के समय इन भोले भाले गांव वासियों को आश्वासन दिया, मगर उन्हें उनकी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा। आखिर कब तक ऐसे झूठे आश्वासन उत्तराखंड वासियों को मिलते रहेंगे? स्वतंत्र भारत का ये गांव आज तक सिर्फ राजनीति की भेंट चढ़ा। इस गांव में कैसे कोई तरक्की करेगा जहां पढ़ने के लिए स्कूल भी नहीं है, मजबूरन पलायन झेलना पड़ रहा है। इस लोकतंत्र में फिर चुनाव आएंगे, फिर नेता वोट मांगने आएंगे, और फिर ये नेता अपनी लच्छेदार बातों को कहकर ताली और थाली बजवाएंगे। आखिर भोली भाली जनता को कब तक ऐसी दशा में मौन रहने पर मजबूर होना पड़ेगा? सरकार के नुमाइंदे चुनाव से पहले आते हैं और सरकार बन जाने के बाद जनता की सुनने वाला कोई नहीं होता। एक और जहां भारत सरकार पूरे भारत में सड़क के जाल का नेटवर्क बिछा रही है, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर कर रही है, तो वहीं पहाड़ पर रहने वालों को अनदेखा किया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज के आधुनिक भारत में शासन या प्रशासन दुर्गम क्षेत्रों को लेकर चिंतित क्यों नहीं है? जब गांव के गांव खंडरों में तब्दील हो जाएंगे, क्या सरकारें तब इस ओर ध्यान देंगी? लेकिन हमें विश्वास है कि हमारी इस खास रिपोर्ट को देखने के बाद सरकार जरूर सजग होगी और विकास के कार्यों में और तेजी लाएगी। अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहिए BHBC न्यूज़। नमस्कार। आप देख रहे हैं BHBC न्यूज़।